नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज हम बात करेंगे बवासीर, फिशर, फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस के बारे में और इनमें क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर करण रावत हूं और आज आपके लिए कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले बवासीर, जिसे हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, ये मलाशय या गुदा के अंदर की सूजी हुई नसें होती हैं। इनसे दर्द और खुजली हो सकती है, लेकिन अक्सर ये गंभीर नहीं होती। अब बात करते हैं फिशर की। ये गुदा की परत में होने वाले छोटे छोटे फटाव होते हैं। अक्सर ये कड़े मल को पास करने से होते हैं। इनसे तेज दर्द और खून आ सकता है। फिर आता है फिस्टुला। ये गुदा के अंदर और उसके आसपास की त्वचा के बीच बनने वाली असामान्य सुरंगें होती हैं। ये अक्सर किसी संक्रमण की वजह से होती है और इसके लिए अक्सर सर्जरी की जरूरत होती है। आखिर में पाइलोनाइडल साइनस, ये त्वचा में बनने वाला एक छोटा छेद या सुरंग होती है जो मवाद से भरकर संक्रमित हो सकती है। ये अक्सर टेलबोन के पास होती है। इन बीमारियों को समझना ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। मैं आपकी पूरी मदद के लिए यहां हूं। स्वस्थ रहें।